आज मैं फर्स्ट टाइम टेस्ला चला रही हूँ। आई मीन मैं चलाई पहला, बट सिर्फ घर दे बाहर रिवर्स करके लाई सीगी, ते एकदम एज इन प्रॉपर कदे नहीं चलाई हैगी, ते थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा। जो ए होंगे ना झटका जहा मार दी है एकदम, मतलब ए रेस तो पैर चक लो प्रॉपर बंद हो जाती है, नहीं कि हौली 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 बंद हो गई एकदम खड़ जाती है, वो चीज़ औखी लग रही थोड़ी जी, पर हौली हौली यूज हो जाऊंगी शायद। अज मैं शूट किया इंदर तो बिना, मतलब आउटफिट आया हुआ सी जड़ा। अज समता ने मेरी बड़ी हेल्प की उन्हें असी मतलब कि कैमरा कूमरा सैट कर सू बहुत प्रॉब्लम आई, मतलब प्रॉपर जहाँ नहीं हो रहा सूँ इन्ना पता नहीं है ना किमें करना है, बट फिर भी असी मैनेज किया तो फाइनली साडा शूट हो गया। तो ये लुक मैं क्रिएट की आ अपने चैनल लिए, तो बहुत ही ग्लोई जी लुक, ईजी स्टैप्स, सो जरूर चैकआउट करो जो भी मैं लगता छेती अपलोड हो जूगी। हेरिटेज चले पार्टी ते बाद वी योर लुक इज वेरी गुड, थैंक यू, नाइस, थैंक यू। दलजीत सर टू आदे कौन दाढ़ी फिर वड्डी कर ली था उन्हें तो कटा हूँ। अच्छा मैं देखी, बट डिटो क्यों लुक ला दी थोड़ी ट्विंस ला दें तो सी पता नहीं क्यों हरकत भी सेम ने। बाय गाइज, दोनों जने बहुत सोने लग रहे हो, मैनु भी ला जो मैं तैयार ही हाँ। मैं कुछ प्लान कर रही हूँ क्योंकि वैसे तो मैंने सारे घर के भी उत्थे कही आते हैं कि तू आ जा तू आ जा है ना, पर मैं उन्होंने मतलब स्ट्रोंगली जे कहता भी नहीं मैं आ नहीं सकती है ना, मैं नहीं आना, बट मेरे दिमाग च आ गया भी मैं जा ही आनी हाँ। मैं सोचती हाँ क्योंकि ना मम्मा का बर्थडे भी आ, तो मैं आया कि एवं बार बार जाने का मौका वैसे मिलता नहीं हों बार बार, तो मैं भी मतलब मैं अपनी मेरी जिमें आईसाइट वीक आ, तो मैं पहला करवाना सी जो मैं गई सी कि मैं अपने अखा का करवाना सी लेजर होंदा ना जड़ा लेजिक होंदा, तो वह मैं करवा नहीं पाई क्योंकि टाइम ही नहीं सीगा उदों, बहुत भज दौड़ सी क्योंकि इन्ने साल बाद गए सी है ना, तो हुण इंदर दे भी जाण दा परपस सीगा इंडिया है ना बालों का करवाउण दा, तो मैं हुण सोचदी हाँ भी मैं सरप्राइज देवां उन्होंने जाके तकड़े वाला, मतलब मेरे वाला तो जमी तकड़े वाला होगा क्योंकि तो मम्मा के बर्थडे पर, तो उन्होंने तो कोई आइडिया नहीं क्योंकि मैं कही ना भी नहीं मेरा जी नहीं लगना भी दोबारा उत्थे आके फिर उरे आके भी मसा मैं उरे आके दोबारा दिल लाया तो फिर मेरा दिल नहीं लगेगा, पता नहीं कि होगा, मैं सोचा नहीं सीगा कि मैं भी जाऊंगी, आई थिंक मैं जाना चाहिए, यह जे मौके बार बार नहीं मिलते। तो कट्ठे वापस आ जाएंगे, वैसे भी इंदर बिना औखा लग रहा बहुत, तो धन ने है ना वो वाले पार्टनरस जेडे अपने पार्टनर तो बिना इन्ने इन्ने साल भी रह जाते हैं, मतलब जेडे स्टूडेंट वीजा ते आए होंगे या उंज आए होंगे तो उन्होंने पार्टनर नाल नहीं आए होंगे बाद च बनना होंगे या है ना वीजे वूजे का कुछ होंगे, सो बहुत है ना सल्यूट आ उन्होंने जो अपने पार्टनर तो बिना इन्ना टाइम रेंदे ने स्ट्रगल करते ने कले, एंड चलो मैं हुण तैयारी कर दी हाँ टिकट टुकट लैनी हाँ, तो मैं कोशिश कर दी मैं सेम वापसी वाली टिकट मिल जाए या फिर मैं वन वे करा के जाऊँगी तो आन वेले करवा लूँगी जी चिंदर ने आना, सो आई एम एक्साइटेड। मैं इंडिया वाला ब्लॉग देख रही सी बिकॉज ऑब्वियसली मैं उत्थे नहीं हाँ तो मैं नहीं पता है ना किमें सारिया कि इंदर मिले कि सरप्राइज दिता, तो बहुत वधिया लग रहा देख के, एंड मैं अपन टिकट्स भी बुक करती हाँ, तो मैं यकीन नहीं आ रहा मैं जा रही हाँ दो दिन चो मम्मा नूं वड्डा सरप्राइज दूंगी, मतलब मैं बहुत ब्लैसड फील कर रही हाँ, मतलब जे बाबा जी ने कृपा करी सब कुछ सही रहा, तो पापा का बर्थडे भी मना के आए सी हुण मम्मा का बर्थडे भी इन्ने साल बाद मतलब 8 साल बाद मनाऊंगी बड़ी खुशी जी हो रही है, मैं कदे भी एवें कली ने सरप्राइज नहीं दिता इंडिया जाके कदे भी किसी नूं, मैं कल्ला इदां ट्रैवल नहीं किया, बट हुण एक भी बंदे नूं कोई खबर नहीं हैगी कि मैं इंडिया जा रही हाँ, तो हजे मैनू ये भी नहीं पता भी मैनू दिल्लियों कौन लैन आऊगा दिल्ली तो, सो हुण मैं ये देखना भी मैं किनू कहाँ बिकॉज मैं चाहती नहीं भी घरों इंदर नूं या इधरों साढ़े घरों मैं किसी नूं भी किसी भी एक बंदे नूं भनक नहीं लगन देना चाहती, सो मैं देखती हाँ हुण मैं उत्थों किदां जाऊंगी ना। आपां हुण पता की करना, आपां महीना रहना एक दूजे तो दूर, फिर थोनू मेरी होर कदर आऊगी, पहली हैगी चलो होर कदर आऊगी, फिर अपन एक दूजे का होर प्यार आऊगा, जिन्ना बंदा दूर रहा उन्ना होर प्यार वादा होंगे।
समझ रहे हो ना कि ना? क्यों? मैं समझ नहीं गया क्यों हो गया थोड़ी समझ क्योंकि मैं में? समझ नहीं गया। नहीं मैनू चल ठीक है, मैनू वीर जी भी कही जाते हुणे फोन करके, कहिंदे पता नहीं मैनू ऐ लगी जांदा वी तू भी आना हुण। मैं क्या नहीं, मैं नहीं आती। फिर मैं हुण एवें नहीं चाहती उन्होंने लगे पता लेना वा कि अपने आप फिर थोड़े दिन लाई फिर औखा हो जाऊगा। मैं ना ये रिकॉर्ड करवाना चाहती सी, मैं तेरे को ता आ गई सी। मैंने बार बार ना फोन ते अंदर आई कही होंगे भी तू आ जा तू आ जा, पर मैं प्रॉपर अपना वो दिखा रही हूँ कि नहीं मैं आना नहीं। जे तो ठीक इंदू ने कहना था तो पता ही से तू आएगी। ताई तो मैं उन्होंने वो कर रही हूँ, पर उन्होंने की पता भी मैं आएंगी फिर मैं नाल ही जाती। पर वीर जी ना मेरी हमने गल हो रही सी, ओ मेनू कहंदे भी मेनू लग रहा भी तू भी आने वाली है बस। मैं जान के की कर आ दे मेरा सारा सरप्राइज ही तुसी ओ ना कर दियो खराब। जान के कर दे वो नहीं होना चाहिए, सरप्राइज खराब नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैं अपने आप कली जा रही हूँ, ये नहीं खराब होना चाहिए। मैं कल चली हाँ इंडिया, ते आज मैं डिमांड आ रही कहते अज गजरेला बनाया, जो किरण हुए कहते कोई कह रहा पंजीरी बनाया, सब तक कहते भिंडिया भी बना जा। नहीं बना दूंगी अज मैं सारा कुछ, कोई ना खाली डब्बा विच इसने कम के जशन दिया पता नहीं। मैं समता असी चले थोड़ी शॉपिंग करन, मैं नेल्स लगवाने आ बिकॉज मैं इंडिया चली सी। वैसे मैं सोचा लगावा ना लगावा, मैं चल लगा लैनी हां। भिंडियां बना दी, गजरेला बना दी, पनीरी बना दी, होर कम रह जाना। काफी टाइम बाद मैं तो प्रोफेशनली अज तैयार नहीं हुई हां। मैं भी तुम काफी टाइम बाद देखा है तैयार। मैं बहुत खुश हां अज क्योंकि मैं जा रही हां ते हुण असी चले हां शॉपिंग करन चलिए। हां दिखायो हाथ दिखायो, जगह नहीं मिल रही कि रखिये कि नहीं। दोनों ही कलर सोहने वैसे, आई थिंक तेरे को पिंक ज्यादा हैगे ने, सिमिलर जो शेड हैगा आ ओ ग्रीन लला। हैप्पी शॉपिंग, हैप्पी शॉपिंग। हाँ सही गल बंद आते रात। सो मैं हम नेल्स करवा लूंगी अपने, इस बार मैं ना ब्राउन नोज जो कलर करवाऊंगी। वाइट उठे रहते नहीं, वाइट उठे गंदे हो जाते हैं, तो वाइट जो हो यार ब्राउन है ना, नोज जो कितने होगा देखिए। अंदर की कॉल आई सी, वो कहते तुम की करी जाने कलर चाहिए हो गया। कई बार आप देखते कुछ हो रहा निकलता कुछ हो रहा, पर मैं बड़ा सोहना लग्या। तो टोज तो मैं रेड करवाया, पहली बार मैं बोल्ड करवाए सोहन। अस चले टी जी आई फ्राइडे क्योंकि साढ़े घर के लड़के हो रहे आए हुए ने, तो और अस खाव पीवे। आ गए वो अंदर आ गए, अच्छा आप तो खा नहीं चुके थे, चलो खा लो। चाबी लैन जसकीरत वीरा कहिंदे मैं मूवी देखनी, फड़ के बैठे ने वीरे नू, ते हुण समता चली है लैन। समता लैके मुड़ी ओ गई ओ गई ओ गई छड़ते नहीं फटके बैठे आ।
मूवी अजे हैगी घंटे नूं ते पहले ही आ गए बह गए पार्किंग च आ गए लै ही आई फिर लै आई है ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸੀ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ਲੀ ਮਿੰਟ ਚ ਛੱਡਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਓਕੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ ਐਂਡ ਇੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹ ਏਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਫੋਰਮ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢਿਆ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਪੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜੈਕਟਾਂ ਜੁਕਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਹ ਸੌਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਢੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਟ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਟ ਦੇਖ ਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਣੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਸਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਆਊਟਫਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੂਟਸ ਕੱਢੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਵੀ ਆਊਂਗੀ ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸੌਟ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਬਸ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ਿਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛੀਏ ਮਤਲਬ ਸਮਤਾ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਮਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦਾ ਉਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਊਚਰ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਕੂਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਂਡ ਇਹ ਵਲੋਗਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਵਲੋਗਸ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀਰੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ
कुछ नहीं रखा इन्होंने चीजा च एक दिन सारिया ने जाना क्यों आप लड़ाइया करते नफरत करते एक दूजे न क्यों आप नहीं रह सकते बिना है ना किसी को दुख पहुँचाए। मैं बस हूँ शावर लैना सब रेडी आ पैकिंग भी बस विच ही छड़ती सी ताइयों इन्ना टाइम लग गया मतलब 3 बज गए तो 3 घंटे रह गए ने एयरपोर्ट जाने तो बस हमने पैकिंग डन की सारी।